नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी कोई महिला माँ बनना चाहती है तो जब जब आप संबंध बनाती हैं उसके बाद आप पेट को टच करती हैं, यानी पेट को छूती हैं और सोचती हैं कि क्या इस बार गर्भ रुक जाएगा। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगी जिससे कि पेट को महसूस करके, पेट को टच करके, पेट के एहसास से आप समझ जाएंगी कि गर्भधारण आपका होने वाला है। और ये चेंजेस फिजिकली तभी आते हैं जब कोई महिला गर्भवती होने वाली होती है। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, होता ये है कि महिला के शरीर के अंदर यूट्रस में उनका अंडा जब ओवुलेशन के दौरान निकलता है तो दो अंडाशय के माध्यम से ये प्रक्रिया होती है। हर महीने एक अंडाशय काम करता है, यानी एक ओवरी से अंडा निकलता है और उसी साइड के फिलोपियन ट्यूब में आता है। और वहीं पे अगर संबंध के दौरान अंडा यानी एक फर्टिलाइज्ड हुआ तो आपको प्रेगनेंसी रुक जाती है। और ये जो दोनों ही ट्यूब होती हैं और दोनों ही ओवरीज होती हैं, ये एक राइट साइड होती है, दूसरी लेफ्ट साइड होती है, और दोनों अल्टरनेटेड बेसिस पे काम करती हैं। तो जब किसी महिला का फिलोपियन ट्यूब के अंदर एक फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो सबसे पहला जो सिम्टम्स दिखाई देता है वो दिखाई देता है क्रैम्प का। और ये क्रैम्प अगर आपको राइट साइड हो रहा है, कभी भी पीरियड्स के आपको 14वें दिन के बाद अगर ये फील हो रहा है हल्का हल्का सा कि राइट या लेफ्ट साइड आपको क्रैम्प फील होता है और पेट को टच करके अगर आप ये महसूस कर पाती हैं तो ये इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग होती है। इम्प्लांट हो रहा है बेबी आपकी यूट्रस के अंदर, तभी ये दर्द मीठा मीठा सा महिला फील कर पाती है। दूसरा, इसके अलावा दूसरा बदलाव आपको महसूस होगा कि बहुत ही अर्लियर स्टेज में जब किसी महिला का इम्प्लांटेशन सक्सेस हो जाता है तो नाभि के नीचे आपका पेट बहुत टाइट टाइट सा फील होता है, गैस बनने लगता है, पेट फूला फूला सा महसूस होता है और बैठते टाइम और ख़ास कर लेटते हुए आपको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। हाई इंटेंसिटी से ये फील आपको इस वजह से होती है क्योंकि जब गर्भ में आरोपण होता है तब वहाँ की मांसपेशियाँ खींचने लगती हैं और ये खिंचाव आपको महसूस होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा भारी भारी सा पेट नीचे की तरफ लगना और टाइटनेस से फील होना, खाना खाने में आपको देखा जाएगा कि कम खाना खाने से पेट भर रहा है, इस तरह की फीलिंग उस समय होने लगती है महिलाओं को। और ये आपके गर्भाशय के बढ़ने की वजह से होती है, क्योंकि जब इम्प्लांट बच्चा होता है गर्भाशय में तो गर्भाशय बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि आपको बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होगी। जब ये दोनों ही चीज़ें होंगी तब आप फील करेंगी कि हर आधे घंटे पे आपको यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ ही अगर जैसे जैसे आपके पीरियड्स डेट पास आती जाएंगी या मिस हो जाएंगी तो आपको वोमिटिंग टेंडेंसी होना, नोज़िया होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, हेडेक होना, आपको बैक में पेन होना, काफ़ी ज़्यादा आपको लो फील करना, मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस सा फील होना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। और अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो उस वक्त से ही तनाव से जितना दूरी बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा, ये आपके इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। तो आप कोशिश करिए कि ये बदलाव अगर आप पहचान पाती हैं पेट को छूने मात्र से या महसूस करने मात्र से तो आप अपने प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट भी कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद भी, ये तमाम आपको सिम्टम्स आने के बाद भी, पीरियड्स मिस होने तक का वेट जरूर करना चाहिए और वो भी खुशी खुशी बिना स्ट्रेस लिए हुए कि बच्चा कंसीव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि कई बार अत्यधिक तनाव में आने से भी आपका गर्भ जो है रुका हुआ भी वो ख़राब हो सकता है। इस वजह से आप स्ट्रेस फ्री रहिए। और जब आपका यूरिन सैंपल आप कलेक्ट करें पीरियड्स में सोने के बाद तो 3 to 4 days के बाद का मॉर्निंग का करें, फिर एक प्रेगनेंसी टेस्ट होम किट से आप अपने प्रेगनेंसी को कंफर्म कर लें। तो ये जो अर्लियर स्टेज में चेंजेस होते हैं ये सभी महिलाओं को फील होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं। किसी किसी को बहुत जल्दी पता लग जाता है पीरियड्स मिस होने से पहले ही कि वो गर्भवती इस बार होने वाली है, क्योंकि ये चेंजेस आपको आम तौर पे हमेशा दिखाई नहीं देगा, प्रेग्नेंट महिला को ही फील होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी, अपनी प्रेगनेंसी का पता लगाने में आपको बहुत मदद मिलेगी इन लक्षणों से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत जल्दी और आसानी से रुके। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर
सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ जो आपकी प्रेगनेंसी को और भी आसान बनाती हैं। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना पूरा ध्यान। थैंक यू।